हस्तियाँ और एस्थेटिक्स पर बात करने के लिए हम लोग यहाँ मौजूद हैं। और मैं अनुज लगुन हूँ और मेरे दाहिने बैठे हैं निरंजन कुजूर। और निरंजन झारखंड से हैं और हम सबके लिए गर्व की बात यह है कि बहुत ही कम समय में एक युवा फिल्मकार हमारे सामने मौजूद हैं। और इन्होंने न सिर्फ आदिवासी भाषा में, हम कह सकते हैं कि एक मल्टीलिंगुअल फिल्म मेकर हैं। और निरंजन की पहचान केवल आदिवासी भाषा की फिल्मों को लेकर नहीं है बल्कि उसके बाहर भी है। निरंजन ने कई फिल्में की हैं, जैसे कुड़ुक में है इनके फिल्म एड़पा काना, पहाड़ा, और संताली में फिल्में हैं एक देवी दुर्गा, बॉर्नफुल, और बांग्ला में इन्होंने फिल्म की है। और रोचक बात यह है कि चाइनीज में भी एक फिल्म है, शॉर्ट फिल्म है। और इसके अलावा जो जामताड़ा सीरीज आई थी इस पर लाइन प्रोड्यूसर के रूप में निरंजन ने काम किया है। और एक लंबा अनुभव है कम उम्र में सिनेमा में काम करने का। और कुछ समय इन्होंने SRFTI में टीचिंग का भी काम किया, असिस्टेंट प्रोफेसर रहे। और निरंजन बताते हैं कि फिल्म मेकिंग और जो एकेडमिक्स की जो दुनिया है वो इतनी अलग अलग लगती है कि इन्होंने फिल्म के लिए एकेडमिक्स, जो एक रोजगार का एक अस्थाई पेशा होता है, उसको उन्होंने छोड़ दिया और पूरी तरह से फिल्म मेकिंग में आ गए हैं। तो निरंजन, आपका स्वागत है। मेरे बाईं तरफ बैठे हैं पुरुषोत्तम, बिल्कुल युवा फिल्म मेकर्स हैं। और पुरुषोत्तम ने कई शॉर्ट फिल्में की हैं नागपुरी भाषा में, यहाँ की आदिवासी भाषा में। और एक फीचर फिल्म पुरुषोत्तम के निर्देशन में बनी है, दहलीज। और आप सब जानते हैं कि ये नागपुरी में एक अलग ढंग की फीचर फिल्म पुरुषोत्तम ने बनाई है। पुरुषोत्तम से बात करेंगे तो सिनेमा के ग्रामर को लेकर, सिनेमा के एस्थेटिक्स को लेकर अपनी एक समझ रखते हैं और निरंतर प्रयासरत हैं। अनुराग लगुन बगल में है, अभिनेता हैं, एक्टर हैं, मूलतः थिएटर पर काम है, फोक आर्टिस्ट हैं। और अगर आप सब मुकुंद नायक के कार्यक्रम में शामिल होते होंगे तो मुकुंद नायक एक मजबूत सहयोगी की तरह टीम में मौजूद रहते हैं। दोनों के सहयोग से एक फिल्म बनी, बांधा खेत, आप सब जानते हैं। और यह फिल्म बहुत चर्चित हुई, कई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गई। और ये रोचक बात है कि हर जगह सराहना मिली। ट्राइबल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ओडिशा में एक उस फिल्म के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड और बेस्ट एक्टर का अवार्ड अनुराग लगुन दोनों को मिला। और ये फिल्म बेंगलोर फिल्म फेस्टिवल में, साउथ कोरिया फिल्म फेस्टिवल में, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, ये हर जगह फिल्म स्क्रीनिंग के लिए जा चुकी। और ये बहुत ही रोचक बात है कि हमारी इस ज़मीन से उठती हुई कहानियाँ, उस पर एक नए नज़रिए से फिल्में बन रही है और वो सब तरफ जा रही है, फैल रही है। हम इस सत्र के लिए मालविका जी के आभारी हैं कि उन्होंने यह सत्र दिया कि फिल्म पर हम बात करें। अमूमन हम झारखंड के साहित्य कलाओं पर बात करते हैं, लेकिन फिल्म वाला जो मसला हिस्सा अमूमन पीछे छूट जाता है। मैं देख रहा हूँ हमारे सामने हमारे एक अभिभावक की तरह श्री प्रकाश जी बैठे हैं, अनिल सिकदर जी भी हैं, और भी लोग हैं जो झारखंडी साहित्य सिनेमा संस्कृति से जुड़ाव रखते हैं। तो हम बातचीत करेंगे, कुछ बातचीत हम अतिथियों से करेंगे, फिर सवाल हम ऑडियंस से भी लेंगे। एक स्वाभाविक सा सवाल है जो सबके मन में आता होगा कि फिल्म मेकिंग की जो दुनिया है, हम जानते हैं कि उसके लिए एक बड़ी ताकत चाहिए, या तो परिवार से मिले, या समाज से मिले, या पूंजी या पैसे से मिले, तब हम फिल्म मेकिंग कर सकते हैं, या टेक्नोलॉजी हमारे पास हो। खासतौर से झारखंड जैसे इस सामाजिक और पारिवारिक पृष्ठभूमि से कोई युवा जब सामने निकल कर आता है तो उसके लिए एक अलग तरह की चुनौती होती है। तो ये सवाल मैं एक सबसे कह रहा हूँ शुरू में कि ये आप लोग ने कैसा ये साहस उठाया, साहस रखा कि आपको फिल्म मेकिंग में आना चाहिए? निरंजन जी, जोहार सभी को। ये फिल्म मेकिंग का जो जर्नी है,
फिल्म मेकिंग का जो जर्नी है ये शुरू होता है मेरे कॉलेज के टाइम से. वहाँ पर कॉलेज में मैं उस वक्त कर्नाटका में पढ़ता था, तो पूरे देश भर के लोग वहाँ पर रहते थे, हमारे स्टूडेंट्स रहते थे. तो सब जब अपने अपने घरों में फ़ोन में बात करते थे तो सब अपने मदर टंग में बात करते थे. और मेरा एक सिचुएशन ऐसा था कि मेरा मदर टंग होते हुए भी हम, मतलब मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग जो मेरे एक जनरेशन का एक प्रॉब्लम है, तो अपनी मदर टंग में बात नहीं कर पाते थे, जो कि कुड़ुक है. तो वो एक लगता था मुझे उस चीज़ का एक टीस था. और जब वहाँ पर मैं मास कम्युनिकेशन पढ़ रहा था, तो वहाँ पर सिनेमा हमारे लास्ट ईयर में इंट्रोड्यूस हुई थी. तो वहाँ पर उससे पहले सिनेमा हम लोगों को हमेशा से ये लगता था कि बहुत ही चकाचौंध वाला एक वर्ल्ड है, जो मतलब कभी सोचे भी नहीं थे कि सिनेमा ऐसा, मतलब क्या बोलूँ, बहुत दूर की दुनिया, ऐसे अलौकिक सी ऐसे दुनिया लगती थी. फिर वहाँ पर ही हम लोगों को कुछ फिल्में दिखाई गईं जो कि जापान के गांव के फिल्में थी. अकीरा कुरोसावा हो गया, या फिर फेलिनी हो गया जो इटली के हैं, इस तरीके से रॉबर्ट ब्रेसन हो गए, फ्रेंच फिल्म मेकर. सो उधर के गांव की फिल्में देखी, फिर अडूर गोपाल कृष्णन की फिल्में देखी, गिरीश कासरवल्ली की फिल्में देखी. तो जो रास्ते, जो पगडंडियाँ, जो जंगल पहाड़, जो हमारे क्षेत्र के भी वही चीज़ हैं, वो मैंने उसमें मतलब ऑन स्क्रीन देखा था. तो मुझे यही समझ में आया कि अरे, मुझे ऐसा लगा कि अरे, ये भी सिनेमा में आ सकता है, ये भी होता है, ऐसा भी होता है. तो ये सारी चीज़ें थी. और जब मैं जब पहली बार फिल्म कर रहा था, तो उस टाइम पे हम लोग सोचते हैं कि करना क्या है ज़िंदगी में, ये हमेशा ही एक सवाल रहता है कि करना क्या है. तो जब सिनेमा, जब पहली बार हम लोगों को फिल्म बनाने के लिए दिया, कैमरा दिया गया, तो वो एक ऐसा एक्सपीरियंस था जिस पे मेरा पूरा ध्यान एकदम वर्तमान में ही रहता था कि मुझे ये चीज़ बनाना है और इसको करने के लिए क्या क्या चीज़ें हमको करनी पड़ेंगी. और उसमें मैं सब कुछ भूल जाता था. मुझे पास्ट कोई भूतकाल याद नहीं रहता था, ना भविष्य की चिंता होती थी, ना खाना पीना सोना, सब कुछ भूल करके उसमें रम जाते थे. तो वहाँ पर हम लोगों को ये समझ में आया कि ये करना है. नाउ अभी यहाँ पर सिनेमा का क्या है कि जो ये पैसे को लेकर के बड़ा हमेशा ये रहता है, तो ये जो हमारी जो कमी थी, हमारी जो लैंग्वेज के लॉस का जो पेन था, वो कहीं ज़्यादा बड़ा था हमारे लिए. कि हम लोगों ने कुछ सोचा ही नहीं कि कितना लागत लगता है फिल्म बनाने के लिए या कुछ भी इस तरीके का. तो वो जो पेन था, उसने ही पुश किया, उसी ने ही बताया कि अरे, हमको अपनी ही भाषा में फिल्म बनानी है. जब मैं पहली बार पहाड़ा जब बनाने के लिए जा रहा था, तो उस टाइम पे सब बोल रहे थे अरे, तुम बांग्ला में क्यों नहीं ट्राई करते, या जिसमें आपको एक्टर्स मिल जाएंगे. हमारे तो एक्टर्स का भी हिस्ट्री नहीं है, एक्टर्स मिल जाएंगे, ये सारी चीज़ें. तो पर मेरे दिमाग में था कि नहीं, मुझे अपने ही लैंग्वेज में करना है. और ये मुझे सिनेमा हॉल में मुझे अपनी भाषा की फिल्म, अपनी लाइफ देखनी है, हम लोगों की लाइफ. तो ये जो चाहत है, ये जो पेन का रिश्ता है, वो बहुत बड़ा था. और वो एक तरीके से एक सेटिस्फैक्शन मुझे मिला, जो कि क्या बोलूँ, मतलब इट्स प्राइसलेस, आप उसका मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं. पुरुषोत्तम, आप किस तरह जुड़े सिनेमा की तरफ? आप सभी को जोहार. दरअसल सिनेमा कभी ऐसे सोचा भी नहीं था, क्योंकि सिमडेगा जिला में जिस प्रकार के फैमिली बैकग्राउंड से आते, हमने कभी सिनेमा को ऐसे सोचा भी नहीं था. चूँकि सेंट मैरिज में था, मैं पढ़ता था वहाँ पे, तो वहाँ पे एक निष्कलंक का एक पत्रिका आती थी मिशनरियों की, तो मैं इसमें कुछ कविताएं, कुछ कहानियाँ ऐसे ही लिख देता था, कुछ भी ऐसी कविताएं या कहानियाँ लिखता था. तो छोटे लेवल पे हमें एक प्रमोशन मिलता था. फिर जब मैं 10th के बाद जब मैं रांची आया, मुझे लगने लगा कि मेरे पास कुछ है नहीं. पर तब तक मैं, चूँकि अनुज दादा को मैं जानता था, तो ही इज़ माई आइकॉन मेंटर, तो मुझे लगता था कि मैं लिखना
शुरू करूँ कुछ, तो दादाजी से मुझे बोलते थे कुछ भी लिखो, तो मैं बस अपनी ही लाइफ स्टोरी कुछ भी लिखता था। फिर मुझे जब ग्रेजुएशन में जब मैं आया तो थोड़ा बहुत मुझे लगने लगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैं थिएटर का मैंने ट्राई किया। अनफॉर्चुनेटली गलती से शुरुआत हुआ, खेलगांव में एक कंपटीशन हो रहा था तो वहाँ पे गए हुए थे थिएटर के लिए। संडे को थिएटर होने वाला था, अपना नया टीम लेके गए तो दरबान बोलता है कि नाटक तो कल ही सैटरडे को हो चुका है, तो हम लोगों को अनफॉर्चुनेटली वापस आना पड़ा। सारे दोस्त मुझे डांटने लगे कि तुम नाटक कुछ जानते नहीं हो, क्या नहीं करते। गलती से मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा और गुस्सा में था मैं भी, तो वहाँ पर मुझे रामदयाल मुंडा के कला मंदिर है वहाँ पे मैं घुस गया गलती से। तो वहाँ मैंने देखा कि 50 रुपये में वहाँ पे नाटक सिखाया जाता है, तो उस वक्त मेरे गुरु जो तो वहाँ पे मैंने जो नाटक के लिए एक छोटा सा ट्रेनिंग रिहर्सल शुरू किया। उसके बाद फिर मेरे जो यहाँ पे बहुत सारे गुरु जो नज़र आ रहे हैं उनके साथ मैं नाटक में जुड़ते गया, नाटक लगातार करते गया। बट स्पीच लिखने का थोड़ा शौक था तो लिख करके रखते रहता था। बीच में मुझे लगने लगा ना कि हमारे यहाँ पे क्योंकि नाटक करता था तो एक्टिंग की बहुत वो आग थी, तो जब कोई भी बाहर की फिल्म आती थी तो अक्सर हमारे यहाँ के एक्टर को या तो जूनियर आर्टिस्ट या तो पासिंग में रखते थे या तो बैकग्राउंड में, या तो बहुत बार होता था सिलेक्शन नहीं होता था। तो मुझे लगता था कि हमारे यहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी जिन्हें एक्ट करना है, एक्टिंग करना है, बट हु विल गिव अस द चांस, क्योंकि बाहर के लोग तो बाहर के बड़े एक्टर लेके आएंगे तो कोई एक्टर लेंगे, हमें तो ऐसे दिखाएंगे नहीं। तो मुझे लगने लगा कि मैं अपनी कहानियाँ कह सकता हूँ। और चूँकि मातृभाषा नागपुरी बचपन से रही, तो जैसे कि मैं हमारे जो भी गुरु हैं जिन्होंने नागपुरी फिल्म बनाई थी उनकी फिल्मों को मैं देखता था, तो मुझे लगने लगा कि ये मेरा पकड़ है, नागपुरी मेरा अंदर है, मैं उस एथिक्स को मैं समझ सकता हूँ। तो फिर मैंने शॉर्ट फिल्मों की तरफ रुझान शुरू किया, क्योंकि अगर इंतज़ार करते रहते बड़ी फिल्मों की तो शायद नहीं मिल पाता, तो बस वहीं से शॉर्ट फिल्मों के थ्रू जर्नी शुरू, शॉर्ट फिल्मों से यात्रा शुरू की। और पुरुषोत्तम ने एक अच्छी शॉर्ट फिल्म बनाई है जो जयनंदन की कहानी पर आधारित है, कायांतरण। जयनंदन हिंदी के एक अच्छे कथाकार हैं, झारखंड के ही हैं, उस पर आपने एक फिल्म बनाई है कायांतरण। हाँ बिल्कुल, हाँ। वो काफ़ी अच्छी कहानी थी, उन्होंने एक उनकी एक स्टोरी थी, तो मैंने उस पर। आप अनुराग जी आप बताएं। जी सब उनको जोहार, पूछिए सवाल। मैं ये कह रहा हूँ कि सिनेमा की तरफ अभिनय की तरफ कैसे जुड़े। अच्छा अभिनय की तरफ, तो मेरी जर्नी जस्ट मैं कॉलेज आया, काफ़ी दिनों तक तो पता नहीं रहा, सिनेमा में काम करने का इच्छा तो था पर पता नहीं था कि शुरुआत कहाँ से किया जाए। बट ऐसे ही कुछ दोस्तों के संपर्क में आया, फिर मैंने थिएटर ज्वाइन किया। अभी सामने में है दीपक भैया हैं, हमारे गुरु हैं, एनएसडी से पास आउट हैं, संजय लाल सर हैं एनएसडी से पास आउट हैं, डॉक्टर अजय मलकानी हैं एनएसडी से पास आउट हैं, ये सारे जो मेरे गुरु हैं इन्हों से मैंने बहुत सीखा। ऐसे थिएटर करते करते कभी दूरदर्शन में एक छोटा सा रोल मिल जाता था, कभी कोई फिल्में बनाते थे तो वहाँ पर भी हमें छोटा मोटा कुछ रोल मिल जाता था। तो ऐसे ही हमारा जर्नी शुरू हुआ और धीरे धीरे आगे बढ़ने का कोशिश कर रहे हैं, काम जारी है अभी। एक चीज़ जो मैं कॉमन देखता हूँ, एक सामान्य चीज़ है, जैसे पुरुषोत्तम की सिनेमा अगर हम देखें या निरंजन की देखें, हालांकि अभी ये शॉर्ट फिल्मों से ही यात्राएं शुरू कर रहे हैं और शॉर्ट फिल्मों में इन्होंने एक अच्छी पहचान बनाई है, एक चीज़ मैं देखता हूँ कि जो अमूमन जो मेनस्ट्रीम का जो सिनेमा जो हम देखते हैं और उसकी जो सिनेमाटोग्राफी है या उसका ग्रामर है या उसकी जो भाषा, उसके जो इमेजेस हैं या उसका विजुअलाइजेशन है, उससे थोड़ा आप हट कर चलते हैं, तो ये आपने ये अलग से चलने का रास्ता क्यों चुना? तो ये जो सवाल है, ये जो आप पूछ रहे हैं, हाँ, तो जब मैं पढ़ रहा था SRFTI में, तो उस टाइम पे हम लोगों का एक क्या बोलूँ, जो लर्निंग का जो तरीका है वहाँ पर, हम लोग सिनेमा जो है वो इस तरीके से नहीं पढ़ते हैं कि एक फिक्स्ड फॉर्मूला है सिनेमा बनाने का, वैसा ही होना चाहिए, ऐसा नहीं सीखते हैं हम लोग। ऑथियर्स को फॉलो करते हैं, ऑथियर्स का सिनेमा देखते हैं,
जैसे रॉबर्ट बेसों का मैंने जिक्र किया, उसी तरीके से एक और फिल्मकार हैं, टर्किश फिल्म मेकर हैं, नूरी सिलान, उनकी फिल्मों ने काफ़ी प्रभावित की है मैंने। ये दोनों फिल्म मेकर जो है उनकी एक खासियत थी कि उन्होंने जो अपनी फिल्म बनाई उन्होंने नॉन एक्टर्स लिए थे, मतलब जो एक्टिंग जिनको नहीं आती है उनको लिया था। तो उसके पीछे जो सिनेमा का क्या है कि जब आपके सिनेमा ही नहीं कोई भी आर्ट फॉर्म जो होता है वो कैसे इवॉल्व करती है, जब आपके लिमिटेशंस जो होते हैं, जो लिमिटेशंस होते हैं उसके हिसाब से आपकी आपका ग्रामर चेंज होता है। आप लोगों ने जैसे पेंटिंग में आपने सीखा कि देखते होंगे पेंटिंग्स में, ऐसे सुनते होंगे कि एक ब्लाइंड आर्टिस्ट ने ये पेंट किया है, तो उनकी वो लिमिटेशन है पर वो एक अलग तरीके का एक पेश करती है, एक अलग तरीके की पेंटिंग पेश करती है। तो हमारे लिमिटेशंस जो हैं, जो हमारे जो जो आदिवासी फिल्म्स जो मैं जिस तरीके का मैं विजन कर रहा था, तो मेरा लिमिटेशन था कि हमारे पास एक्टर्स नहीं है, एक्टिंग का कोई भी हिस्ट्री नहीं है। तो वो जो चीज़ है उसने एक वो दिया कि बोला कि अभी नॉन एक्टर्स के साथ काम करो। दूसरा चीज़ ये है कि एक रिदम पल्स की बात होती है जिसको लेकर के मैं बार बार बोलता हूँ कि टाउन में सिटी में एक बहुत ही एंग्शियस रिदम है, एंग्शियस पल्स है, बहुत ही एंग्जाइटी भर भर के है। बहुत सारी चीज़ गाड़ियाँ इतनी तेज़ी से चलते हैं, हॉर्न बजते हैं, मशीन्स से लदी पड़े हैं शहर, हर समय आप बाहर निकलो मशीन, अंदर घर के अंदर मशीन्स, तो वो एक एंग्जाइटी क्रिएट करता है, उससे एक पल्स जनरेट होता है। लोग हम लोग इंसान अपने सराउंडिंग से जिस तरीके से इफेक्ट होता है वो उसको खुद भी पता नहीं चलता। तो वो जो चीज़ है उससे सिनेमा जो है, आप देखिए कि किस तरीके से अभी जैसे KGF वगैरह आया, KGF आया या कांतारा भी रिलीज हुई, तो उसका एडिटिंग पैटर्न जो है आप देखो कितना फास्ट है, बहुत फास्ट है। लेकिन हमारी फिल्में जो है, जो हम मैं एज अ ट्राइबल एज एन आदिवासी जब मैं फिल्म सोचता हूँ, मैं जब देखता हूँ तो मुझे वो जंगल का रिदम, वो गांव का रिदम, वो ताल में मैं महसूस करता हूँ। मेरा जो कट लगेगा या शॉर्ट टेकिंग जो है, जो मैं एक शॉर्ट ले रहा हूँ तो मैं कब कट बोलूँगा वो मेरे पल्स पे निर्भर करता है। तो मेरे शॉर्ट ड्यूरेशंस लंबे होते हैं और जैसे क्लोजअप या वाइड या जो भी शॉर्ट मैग्निफिकेशन है वो बहुतों को ये सोचते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन होता है। शॉर्ट इज़ नॉट एन इन्फॉर्मेशन ओनली, शॉर्ट जो है वो एक इंटेंसिटी भी, कितनी मात्रा में वो इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंच रही है वो भी डिसाइड, वो भी होता है। तो मेरे अगर मैं क्लोजअप, एक्सट्रीम क्लोजअप जा रहा हूँ या क्लोजअप जा रहा हूँ किसी के, तो वो इमोशन बहुत ज़्यादा ज़ोर से आ रही है मेरे पास। तो अगर मुझे मात्रा की बात होती है हमेशा, तो जो मात्रा है सिनेमा में अगर उसको पीसफुल रखना है तो मैं शायद कैमरा थोड़ा सा दूर रखूँगा, या जो एक्टिविटी है या जो एक्टर्स या कैरेक्टर्स का मूवमेंट है वो किस तरीके का होगा, तो ये सारी चीज़ें कि जो चीज़ें आप विजुलाइज करते हैं जी, वो आपको लगता है कि जो आदिवासी जीवन है या कल्चर है उसका जो रिदम है उसके बीच से वो जी जी आता है, जैसे वो हार्ट रेट वगैरह ये सब भी मैटर करता है। जैसे कि आपकी जितने भी फिल्में हैं अमूमन देखें तो हम लगता है कि एक है कि वो ऊपर से लग रहा है कि बहुत शांत तरीके से चल रही है सिनेमा, लेकिन अंदर बहुत सारे सवाल और हलचल लेकर आ रही है। जैसे पहाड़ा को ही हम देखें, खासतौर से जो जो माओइस्ट इंसर्जेंसी है या जो जो उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में जो जीवन है, इतने क्रिटिकल इशू पर फिल्म आ रही है और पूरा एक डिबेट है स्टेट के साथ, स्टेट ट्राइबल लाइफ कल्चर और जो आइडियोलॉजी की जो लड़ाई, वो सारी चीज़ें फिल्म बहुत ही फिल्म की जो रोशनी जो आप उसकी जो उसकी ये चीज़ बनाते हैं, विजुअल क्रिएट करते हैं, ऊपर से लगती है कि ये बहुत आराम से चल रही है लेकिन अंदर ही अंदर बहुत सारे सवाल है, हलचल। जैसे कि वो जो बच्चे का पिता है जो अभी लापता हो गया है, वो नहीं आ रहा है, और जो बच्चा है वो 13 का पहाड़ा याद कर रहा है। और क्या रोचक बात है कि वो जब बच्चा पहाड़ा याद कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, तो पढ़ने के क्रम में उसकी किताब एक चींटी आता है, चींटी आती है। अमूमन हम देखते हैं कि चींटी को लोग मसल देते हैं, उसको वहीं मार देंगे, लेकिन वो बच्चा उस चींटी को
एक कागज उठाता है और उस कागज से उठा करके किनारे रख देता है। यानी एक जो वायलेंस जो है एक सिविलाइजेशंस के अंदर, जिसका जिसकी बात आप कर रहे हैं कि आप घर से बाहर निकलते हैं मशीन, अंदर जाते हैं मशीन, और एक अलग तरह का स्ट्रेस क्रिएट करते हैं। आप उन चीज़ों से अलग जाकर नैरेटिव बनाना चाहते हैं। और मतलब ये चीज़ आप बहुत कॉमन है हम लोगों में, कि बहुत सारी चीज़ें हम लोग जो ये जो स्टेट वायलेंस है, जो कुछ भी जिस तरीके का भी वायलेंस वगैरह चल रहा होता है, वो हम लोग अंदर अंदर रखते हैं, बहुत समय तक बॉइल होता है और बहुत लेट, बहुत समय लगता है हम लोगों को वायलेंट होने में। नॉर्मली न्यूज़ में बहुत ज़्यादा आता है, न्यूज़ में क्या होता है कि हमेशा वायलेंट एक्ट्स को ही हाईलाइट करते हैं कि आदिवासी क्षेत्रों में नक्सल प्रभावित क्षेत्र इस तरीके का, या पर हमारे लाइफ में आदिवासी जीवन में एक्चुअली क्राइम रेट बहुत ही कम है। जितना शहर में होता है हर रोज, एक ही नहीं होता है हर रोज, बहुत सारे क्राइम्स होते हैं, वो रेट जो है वो बहुत हाई है। और हमारे क्षेत्र पर न्यूज़ हमारे में सिर्फ यही सब आता है हमारे बारे में, तो ये एक परसेप्शन है जो वो परसेप्शन जब बाहर के लोग फिल्म बनाते हैं तो वो सारी चीज़ों पर हाईलाइट करते हैं, हम जब हाईलाइट करते हैं तो हम जीवन दिखाते हैं। जैसे आप पुरुषोत्तम, आपकी भी जो फिल्म दहलीज या बांधा खेत की ही बात करें, वो फिल्म में कितनी, मुझे लगता है कि फिल्म बहुत शांति से चल रही है। और सबसे बड़ी बात तो मैं हैरान रह गया जब दहलीज फिल्म के क्लिप्स मैंने देखे, उसके कहानी को देखा, कि अमूमन एक ऐसे समय में जहाँ जो कमर्शलाइजेशन है या जो स्टार्डम या एक जो मारधार एक्शन वाली जो चीज़ें हर तरफ भरी हुई हैं, इसके बीच में एक युवा फिल्म मेकर जो एक ऐसी भाषा में फिल्म बनाना चाह रहा है जिसको लेकर अभी कोई उस तरह से माहौल नहीं है, जैसे नागपुरी भाषा में फिल्म बना रहे हैं, लेकिन आप स्क्रिप्ट लेते हैं या कहानी लेते हैं तो कैसे ले रहे हैं? जैसे दहलीज में एक लड़की है जो एबनॉर्मल है देखा जाए, ठीक है, और वो उसे इसलिए बेड़ियों से बांधा जाता है कि चूंकि वो एबनॉर्मल है कुछ गड़बड़ कर देगी, जैसे हम एक जो साइकिक लोगों को देखते हैं उस तरह से, लेकिन वो पढ़ती है किताबें। और जो आपने जो दृश्य बनाया है जो सिनेमा में आता है कि जिस कमरे में उसे बंद किया गया है, उस कमरे में झारखंड की जितनी भी विरासतें हैं, इतिहास की जितनी भी, वो सारे कागज को फाड़ फाड़ कर वो चिपकाती है, ठीक है। तो इस तरह के जो विजुअल क्रिएट करना, और वो भी ऐसे समय में जबकि बहुत मुश्किल है कि ऑडियंस उस चीज़ के लिए तैयार नहीं है, लेकिन आप ये कर रहे हैं, तो ये अलग और नया करने का विचार कैसे आता है, आया? एक्चुअली जब मैं जब दहलीज लिख रहा था, या फिर जब मैं बांधा खेत जब मैं बना रहा था, या जब कभी मैं अपनी शॉर्ट फिल्मों को डिज़ाइन करता हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बाकियों से अलग होंगी, या तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे मैं जुड़ पाया हूँ शुरू से। क्योंकि शुरुआती दिनों में मुझे लगता है कि ऐसा कि अगर हमारी फिल्मों में अगर धुसका की बात हो रही है, तो मुझे लगता है कि वी ऑल पीपल विल कनेक्ट विद धुसका रादर देन इफ माय एक्टर विल ईट द पिज्जा और बर्गर। क्योंकि मुझे पता है कि मेरा मेजर ऑडियंस जो है उसी फैमिली बैकग्राउंड से आता है जहाँ से मैं आता हूँ, जहाँ से उसने देखा है। तो जब हम बात करें कहानियों की, तो जब मैं लिख रहा था तो मुझे ये लग रहा था कि मैं अपने झारखंड को अपनी कहानियों में कैसे दिखाऊं, क्योंकि मेरी फिल्म में कोई लाल पार साड़ी कहीं पहनी हुई नहीं है, कोई कल्चरली एक्टिविटीज़ नहीं हो रही है, बट मुझे ये था कि मेरी जो कैरेक्टर है वो अपने साइकोलॉजिकली अपने जो इन्वायरमेंट कैरेक्टर है उसमें पूरे झारखंड को समेटे हुए, उसने पूरी दुनिया को समेटे हुए है। उसको ये चीज़ पता है कि 1832 में बुद्ध भगत की कोल विद्रोह हुआ था। मुझे ये लगता है कि एज अ फिल्म मेकर हमारे अंदर बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सोसाइटी को किधर टर्न करते हैं। अगर हम बात करें गजनी जैसे फिल्मों की, तो लोग कटा के घूमने लगेंगे, पुष्पा जैसे बात करें तो ये करेंगे, पर आइडियोलॉजिकली मुझे ये लगता है कि हमें ये बहुत जरूरी है एज अ फिल्म मेकर सोचना कहानीकार के रूप में कि हम अपनी कहानी को किधर शिफ्ट करना चाहते हैं। क्या हम वर्ल्ड को सामने सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल सिनेमा के रूप में वही चीज़ दिखाना चाहते हैं जो बाहर की दुनिया देख रही है, या फिर वी विल क्रिएट आवर ओन। क्योंकि मुझे ये लगता है कि अगर मैं बॉलीवुड की तरह कभी फिल्म बनाना चाहूँगा तो फिर मेरे लिए वो खिचड़ी बन जाएगा। और चूंकि आज ग्लोबली वर्ल्ड जब आ चुकी है, तो विद इंग्लिश सबटाइटल हम अपनी फिल्मों को कहीं भी हम दिखा सकते हैं, कहीं भी हम भेज सकते हैं। तो मैं बेसिकली ट्राई करता हूँ कि अपनी कहानियों में कि मेरा झारखंड झलक सके,
मेरा जो लाइफ स्टाइल है या फिर हमारे यहाँ का लाइफ स्टाइल है वो झलक सके, और हमारे यहाँ के लोग उस सिनेमा को प्राउड के साथ, अधिकार के साथ देख पाए जो रामदयाल मुंडा सर ने जो कहा था कि वह वक्त कब आएगा जब हम लोग अपनी सिनेमा को अपने सिनेमाघरों में देखेंगे। तो मुझे लगता है कि यही वो चीज़ें हैं जिससे कि हमारे लोग कनेक्ट हुए, और मुझे लगता है दहली ही था, उसकी कहानियाँ ही थी जो कि सिंपल वे में गई और लोगों ने उसको सिनेमाघरों में जो पसंद किया। अदरवाइज अगर मुझे लगता है कि मैं मारधार अगर क्रिएट करूँ और सेकेंड क्वालिटी के अगर मैं एक्शन दिखाऊँ तो लोग बोलेंगे हम बॉलीवुड की फिल्में क्यों ना देख लें। बिल्कुल, जैसे कि ये जो बांधा केत फिल्म है, दरअसल आदिवासी समाज या झारखंडी समाज में, चाहे आदिवासी सदान हो, आप देख सकते हैं जो जमीन को जो गिरवी रखने की एक प्रथा है, और जिसमें अमूमन जो दबंग होते हैं या जो प्रभुत्व वाले वर्चस्व वाले लोग होते हैं वो अपने एक अधिकार रखते हैं। जैसे कि बांधा खेत में ही, उसमें ऐसा कोई रेजिस्टेंस नहीं है कि हम जाके उसको मार दिए या तीर से उड़ा दिए कर दिए, इस तरह का कोई नहीं। लेकिन वो जो आखिरी का जो दृश्य आता है सिनेमा में कि वो जो जिसके यहाँ जमीन गिरवी रखी गई है वो कहता है कि हम आपकी जमीन नहीं देंगे, शुरू में कहता है कि हम देंगे, फिर बोलता है कि आपने पैसा नहीं चुकाएंगे तो हम नहीं देंगे, और जब वो अपने उसकी ज़मीन पे ट्रैक्टर चलाता है और उसके बाद जो एक्टर उसको देखता है उसमें जो एक बेचैनी होती है, ठीक है, वो लगता है कि जैसे ये बेचैनी उस कथा या फिर सिनेमा के अंदर की नहीं है बल्कि वो हर एक आदमी की है जो उसको ऑडियंस के रूप में देख रहा है। तो अनुराग जी, आपने तो उसमें मुख्य भूमिका निभाई है बांधा खेत में, और कैसे आप उस चीज़ को अभिनय कर पाए इतनी सादगी के साथ कि वो एक आम आदिवासी या झारखंडी की कहानी दिखे लगे? बहुत ही एक अच्छा अभिनय है वो। देखिए, जो सिनेमा में कहानी कही गई है कहीं ना कहीं वो हमारा एक लाइफ स्टाइल है, हम उन चीज़ों को बचपन से देखते आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा था जब हम एक्ट कर रहे थे कि मैं उन कैरेक्टर को ऑब्जर्व कर रहा था, उन्हें महसूस कर रहा था, मुझे लगता था कि ये दर्द मेरे साथ हो रहा है, क्योंकि अभी तक भी हम अपने गांव में देखते हैं कि कई सालों से 30-35, 40-50 इतने सालों से लोग गिरवी, बाप दादा लोग गिरवी रखे हुए हैं, कागज पत्र भी हैं उनके पास, लेकिन वो अपनी ज़मीन को नहीं ले पाए हैं। और जब उन्होंने गिरवी रखा था, पता नहीं कितने दाम पे गिरवी रखा था, और दबंग लोग ये करते हैं कि तुम्हारे बाप दादा ने तो हमारे पास जमीन बेच दिया है, उन्होंने वाकई में उन्होंने बेचा नहीं था, उन्होंने गिरवी रखा था। तो ये सिनेमा करते वक्त हम ये सोच रहे थे कि पता नहीं हम उस किरदार को जी पा रहे हैं कि नहीं जी पा रहे हैं। इसके लिए हमने थोड़ा सा रिसर्च किया पुरुषोत्तम के साथ में, और जैसे हमने फ्लोर पर उतरा तो बहुत गांव के लोग भी आए, बहुत कोऑपरेट किए, और हमारी फिल्में बन गई। एक सवाल, जो हिंदी सिनेमा हम देखते हैं, हिंदी सिनेमा खासतौर से आदिवासियों को लेकर जो एक धारणा बनी है, ठीक है, वो एक अलग ढंग की है, सब जानते हो झिंगालाला टाइप की चीज़ें होती है। अगर हम ऋतिक घटक के फिल्मों को देखें या मैंने कि एक एक्सेप्शन की तरह देखें, अपवाद की तरह देखें, तो मेन स्ट्रीम का जो हिंदी या बॉलीवुड का सिनेमा उसी तरह का प्रेजेंट करता है अमूमन। कुछ कोशिश होती है, कुछ प्रोग्रेसिव ढंग से दिखाने की लोग कोशिश करते हैं, इसके बावजूद भी वो चीज़ें बहुत ही आवरण की तरह रह जाती है। आपका तो इस पर काम भी है, पेपर भी है, कि हिंदी सिनेमा ने आदिवासियों को कैसे चित्रित किया है, आप कुछ कहेंगे और आप कैसा दिखाना चाहते हैं अपने उस सिनेमा में? जी, अभी तक जो हम लोगों ने देखा बहुत ऐसे, वो बहुत दर्द होता है अपने आपको वैसा देख करके, जो पोर्ट्रेयल है वो एक डिस्टेंट, बहुत ही दूरी से देखा हुआ एक पोर्ट्रेयल है। कुछ जैसे हम सत्यजीत रे की फिल्म जी की भी फिल्म को क्रिटिसाइज करते हैं, वो अरण्य दिन रात्रि, उसमें उसके बारे में काफ़ी बात हुई है कि किस तरीके से सिमी ग्रेवाल को उन्होंने काले रंग से पेंट करके आदिवासी दिखाया था। उसके अलावा मेरा एक और पॉइंट है जहाँ पर, जिसके बारे में लोग नहीं समझते, कि एक व्यू पॉइंट है, एक विंडो से शर्मिला टैगोर आकर के दिखाती है, बीमार एक महिला होती है घर के अंदर,
और वो एक बहुत ही बौद्धिक चर्चा के दौरान वो बताती है कि देखिए आदिवासी इतनी बदहाली में जी रहे हैं। तो वो जो व्यू पॉइंट है एक्चुअली सत्यजीत रे सर ने फिल्म जो बनाई थी वो बांग्ला सोसाइटी को क्रिटिसाइज करते ही बनाया था, लेकिन वो क्रिटिसाइज करते हुए भी पूरी तरीके से नहीं कर पाए और उन्होंने एक चीज़ को वैलिडेट कर दिया कि ये गरीब क्योंकि वो एक चश्मा है। अब क्या बोलूँ, हमारी जो संस्कृति है या हमारी जो सभ्यता है वो भी हजारों सालों से इस दुनिया में है। मैं आज आपके सामने खब बैठा हूँ, है ना, मेरे भी माँ बाप हैं, सब लोग हैं, ऐसे आसमान से नहीं टपके। वैसे ही पैरेलली एक कैश इकोनॉमी रही जिनमें मुद्रा और ये सारी चीज़ें रही, तो एक इकोनॉमी में हम लोग इकोनॉमी जीने के लिए क्या चाहिए, मतलब एक सोसाइटी को सर्वाइव करने के लिए आपको मेडिसिन चाहिए, फूड चाहिए, साइकेट्री चाहिए, प्रॉब्ली स्पिरिचुअलिज्म चाहिए, ये सारी चीज़ें थी हैं और सर्वाइवल मेथड्स हैं जिसमें पैसा नहीं ये यू नो इम्पॉर्टेंट नहीं है उतना। जैसे कि एक और एक मेरी फ्रेंड है, उन्होंने फेसबुक पे एक पुरुलिया का एक पोस्ट शेयर किया था जिसको लेकर मैंने थोड़ी सी बात की थी उन्होंने उनसे कि वो नदी में जो ऐसे पानी निकालने के लिए सूखी नदी से ऐसे थोड़ा खोद करके उसमें जो पानी रिस्क करके आता है उसको लेके पीने जाते हैं, वो हमारा सर्वाइवल मेथड है। पर उनको जिस तरीके से ऐसे एड्रेस करते हैं बाहरी व्यू पॉइंट है कि अरे देखो कितने गरीब हैं, इनके पास पीने का पानी नहीं है, पर ये असल में हमारा नदियां सूख जाती थी तो हम ऐसे सर्वाइव करते थे और ये सब अपने बचपन में सीखा है, डिकेंटेशन, सेडिमेंटेशन, ये सारी चीज़ें स्कूल में सीखा है। तो ये अगर आप लोगों ने स्कूल में सीखा है वो आप क्यों नहीं इमेजिन कर सकते कि हम लोगों का ये साइंटिफिक मेथड था, है सर्वाइवल का, जो पैसे का मोहताज नहीं है, उसको लेकर के कोई जॉब नहीं है, पर हम जीते हैं। तो इस हमको सिनेमा में इस तरीके का क्या बोलूँ, अपने आप को इस तरीके से प्रेजेंट होना ज़्यादा पसंद होगा, वो इज्जत जो वो सर्वाइव किए हैं हम लोग, आपके सामने बैठे हैं हम लोग, वो चीज़ बल्कि उसके ऑपोजिट आप देखो। लास्ट मैंने बाहुबली देखी थी, बाहुबली में कलकिया ट्राइब बोल के एक ये है, वो पूरा सब हम लोगों ने सबने एंजॉय किया था कि अरे आक्रमण करो, वो आ रहे हैं आक्रमण करने, वो डिफेंड करते हैं बाहुबली की पूरी सेना, उसको उनका जो पूरा पोर्ट्रेयल है आप देख करके देखोगे वो असल में आदिवासी ही हैं। उनकी जो भाषा है क्लिक भाषा बोलते हैं वो, कोहेशियन लैंग्वेज ऐसे करके बोलते हैं, वहाँ अफ्रीका की है एक फैमिली, उससे इंस्पायर हो करके वो लैंग्वेज बनाई गई। तो ये जो तो आपको समझ में आता है कि वो आदिवासी हैं, और फिर आप सोचते हो कि अरे ये तो वही कोलंबस आता है और कैसे सोफिस्टिकेटेड वेपन्स से आदिवासियों को पर गोली चलाता है। इधर भी आप देखो बाहुबली में सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं और उधर से कैसे दौड़ करके आ रहे हैं इतने सारे आदिवासी। तो इस तरीके का पोर्ट्रेयल आप सत्यजीत रे से लेकर के अभी तक जितना भी देखो तो वो है। शालीमार में तो और भी गंदा लगता है मुझे, जब ऐसे सामने खड़ा करके गोली मार देते हैं, ऐसे बात करते करते बहुत ही नॉन चैलेंटली बात करते करते गप मारते मारते गोलियां मारते हैं आदिवासियों को, और सामने उधर कुछ वॉशरूम जाने की बात करके धर्मेंद्र चला जाता है। तो वो मूल्य है, मतलब बैडएस दिखाना चाहते हैं आप, बैडएस वर्ड इसमें इंग्लिश में यूज करते हैं। अभी एक बहुत लोकप्रिय फिल्म आई थी एसएस राजमौली साहब की, ट्रिपल आर 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 आर, ठीक है, वो तो कुमराम भीम पे जीवन पे बने, उसमें एक सबटाइटल था जो बड़ा वियर्ड था, आई एम अ स्टूपिड ट्राइबल हाउ वुड आई नो, मतलब ये क्या है ऐसे। हाँ पुरुषोत्तम, आप कैसे देखते हैं इन चीजों को? दरअसल मुझे लगता है कि मेरे प्रोस्पेक्टिव से कहीं चाहे पहले मैं चाहूंगा कि दुनिया के सबसे बेहतरीन और सबसे महंगी फिल्म अभी जो 16 दिसंबर को आने वाली अवतार 2,
वर्ल्ड की कुछ ऐसी फिल्में हैं जिन्होंने ट्राइबल इश्यूज पे इतनी बेहतरीन फिल्में बनाई कि वो ग्लोबली पूरी तरह से हिट रही और पूरी दुनिया ने उसको सराहा। अगर हम बात करें अगर आई एम डेविड ईटिंग में, अगर जय भीम की, वो भी एक आदिवासी कहानी, लेकिन उसको उन्होंने प्रस्तुत करने का जो तरीका था उसको उन्होंने बहुत बखूबी निभाया। दुनिया की सबसे महंगी फिल्म अभी अवतार आई 2009 में, फिर अभी अवतार 2 आ रही है, सिर्फ और सिर्फ ये आदिवासी कहानियां हैं। पूरी फिल्म की आइडियोलॉजी यही है कि जेम्स कैमरून ने यह दिखाने का प्रयास किया कि पेंडोरा में उनके पास सबसे महंगी चीज है दुनिया की, लेकिन उन्होंने उसे खोदा नहीं। उन्हें पता है कि यहाँ पे सबसे महंगी चीज रखी हुई है, लेकिन हमें पता है कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, तो हमें किस चीज की आवश्यकता है। लेकिन वहीं पे जब बाहरी दुनिया ने जब आना शुरू किया और उन्होंने किस प्रकार से उसको तहस नहस करना शुरू किया, अब सेम पर्सपेक्टिव में जब मैं अपने यहाँ पे देखता हूँ अपने सिनेमा को, तो मुझे लगता है कि बाहर के फिल्म मेकर हमारे यहाँ के लाइफ स्टाइल को सिर्फ एक दिन में नापते हैं। लेट एग्जाम्पल, मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, कोई एक बॉलीवुड के बड़ा डायरेक्टर अगर कोई फिल्म बना रहा है, अच्छा आप लोगों ने कभी किस पोट्टा टाइटल सुना है? आपने कभी डिस पोट्टा साइड टाइटल सुना है? डिस पोट्टा, आप लोग बहुत ही फेमस फिल्म है शाहरुख खान के, हॉकी पे बेस्ट थी, चक दे इंडिया, उसमें वो बोलते हैं कि मेरा नाम सुनीता डिस पोट्टा है। मुझे ये समझ नहीं आया कि डिस्पोटा कहाँ है, ये किसपोटा टाइटल होता है। अब सेम चीज मैं बोलता हूँ कि हमारे यहाँ पे अगर मैं एज ए फिल्म मेकर हूँ, कोई बॉलीवुड में बड़ा फिल्म मेकर है, उसने बोला कि मैं झारखंड में मैं ट्राइबल इशू में फिल्म बना रहा हूँ, उसने अपने कोस्टल डिजाइनर को भेजा झारखंड एक दिन सर्वे करने के लिए, 3 दिन का ट्रिप दिया। वो आई 3 दिन में पूरा झारखंड को इधर उधर घूम ली, रास्ते में देखा एक बच्चे को, अच्छा ऐसा पेंट पहनता वैसा पेंट पहनता। अगले दिन गई, उसने कॉस्ट्यूम डिजाइन वैसा किया, जब शूट चल रहा है तो पता चला हम लोग के आदिवासी बच्चों को ना जींस पहना दिया इतना दूर तक, गांव का बच्चा जिसका बाप के पास साइकिल चला के बेचने वाला है। वो पूछा जाता है कि आपने ऐसा कॉस्ट्यूम क्यों डिजाइन किया? नहीं, वी वॉच्ड इट, वी वेंट देयर एंड वी डू रिसर्च। ओके, मैं बोलता हूँ कि यार आपने 3 दिन में झारखंड को देख लिया, हम 30 साल से देख रहे हैं, 20 साल से मैं देखते आ रहा हूँ, ऐसा नहीं है। एक और एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, हमारे यहाँ पे लड़कियां स्कूल जाती हैं तो 2 चुट्टी करती हैं, है ना? कभी आप लोगों ने देखा है कि 1 चुट्टी सिंगल इधर से किया जाता है? यहाँ पे महाराष्ट्र में ये होता है। अब यहाँ पे एक फिल्म आ रही है, उसमें उन्होंने कॉस्ट्यूम वाले ने वैसे 1 चुट्टी कर दिया, जब टेक जाने जा रहा है तो DOP चिल्ला रहा है कि जल्दी करो, वो सन जा रहा है। मैंने बोला कि सर 1 चुट्टी नहीं होता है, हमारे झारखंड में तो 2 चुट्टी आदिवासी लोग पहनते हैं। अरे यार लाइट चली जाएगी, आपका शिफ्ट खत्म हो जाएगा, शूट कर। एंड दे डिड इट। And now you tell me how we will connect our in these things. निरंजन कुछ कहना चाहे? हाँ, वो इस तरीके की चीजें होती है बहुत ज्यादा। एक चीज और मैं जो मैं बोल रहा था उसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ कि जैसे जो मैं बोल रहा हूँ कि रेस्पेक्ट की बात जो कर रहा हूँ, जैसे ये सब टर्म्स भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स या ये सब भी बहुत एक्चुअली डिमीनिंग है। जब आप देखो जब आप लोगों को जब ऐसे एक मोमेंट आता है हर किसी की लाइफ में, कभी भी थेरेपी चाहिए होती है लोगों को, है ना, स्ट्रेस लेवल्स बढ़ जाते हैं, आप थेरेपिस्ट के पास जाते हैं तो वो आपसे कहता है कि आप थोड़े जंगल हो आओ, थोड़े घूम के आओ, हाँ ह्यूमन कनेक्शन के बारे में बात करते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, ये सब बहुत बात करते हैं, बहुत लर्नड रिसर्च है साइकोलॉजीज में। तो एक पूरा सोसाइटी कैसे सर्वाइव करके आया है, आपको वो वैल्यू सिस्टम अगर आपको समझ में आएगा कि हम ये जो जैसे संगीत वगैरह जो कुछ भी आज के वर्तमान में या मंत्रोच्चार ये सब जो वर्तमान में लोग सुनते हैं वो सारे जंगल की आवाज़ें हैं, वो सारी चीज़ें एट द रूट ऑफ इट दे आर दे। अगर आप जंगल स्नान बोलते हैं महादेव जी, जापान में बोलते हैं जंगल बात, तो वो दिमाग शांत करने के लिए आप जाते हैं, आप मेडिटेशन करते हैं वो शांत होने के लिए करते हैं, वॉक पे जाते हैं, ये सर जो ये जो खेत घर से निकल करके खेत तक जाना या जंगल जा कर के थोड़ा समय बिताना, झरनों की आवाज़, घर में आप वो मूर्तियाँ एस्टैब्लिश करते हैं जिसमें वो कलकल बारी पानी की ध्वनि आदि वो नेचुरली अवेलेबल हैं,
आपको वो करना नहीं पड़ेगा, ऐसे सर्वाइव किए हैं हम लोगों ने। और वही रिसर्च है जो अभी ये सारे नॉलेज बताने के लिए पैसे चार्ज किए जाते हैं। तो ये अगर ये सारी चीज़ें अगर सब समझेंगे, जैसे नाचने का हमारा ये जो है जो ह्यूमन कनेक्शन की बात है, ह्यूमन कनेक्शन बनाने से मेंटल हेल्थ काफ़ी अच्छा रहता है। तो ये जो जुड़ा के नाचता है पूरा समाज, जुड़ा के जो नाचता है अखड़ा में, कोई भेदभाव नहीं रहता, कुछ भी नहीं रहता, नाचते गाते हैं, मजे करते हैं, ये सब जो सिस्टम है ये सब सर्वाइवल मेथड्स हैं, दीज आर द कोपिंग मैकेनिज्म्स। तो आपको ये सब सीखना पड़ेगा, हम लोगों से समझना पड़ेगा कि आपको इतना रोज रोज बैठ के मेडिटेट करने की जरूरत क्यों आन पड़ी। ये सब अनुराग जी, थिएटर से आप जुड़े हैं और लोक कलाओं से भी जुड़े हैं, खासतौर से झारखंड में जो लोक नृत्य की शैलियां हैं, जैसे मर्दानी झूमर हो गया, पाइका हो गया, जदुर हो गया, इन चीज़ों के बारे में एक अच्छी समझ है आपकी। एक अभिनेता के रूप में जब आप थिएटर में जाते हैं और सिनेमा में जाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो झारखंड की ज़मीन से जो इतनी कलाएं हैं उसका उपयोग किया जाना चाहिए, अगर किया जाए तो कैसे कर सकेंगे? बिल्कुल उपयोग होना चाहिए और उपयोग होते आ रहा है। और निरंजन जी जो कह रहे हैं कि जुड़ा के नाचना, ये आदिवासी कल्चर है, और हम केवल झारखंड में नहीं, हम हमारे देश के बहुत से स्टेट हैं जहाँ पे आदिवासी जुड़ा के नाचते हैं। और पिछले महीने ये छत्तीसगढ़ के रायपुर में कुछ आदिवासी फेस्टिवल हुआ था, तो हमारे झारखंड से भी कुछ लोक कलाकार गए थे और पूरे ये देश में वो सेकंड स्थान आए थे, उन्हें सेकंड प्राइज मिला था। ये दुर्भाग्य की बात है कि मैं थोड़ा सा ले लेता हूँ, ये झारखंड सरकार में इस तरह के फेस्टिवल नहीं होते हैं। अगर हम सिनेमा को लेते हैं तो सिनेमा के अंदर साहित्य आता है, नृत्य आता है, लोक कला आता है, तो हमारी झारखंड में काफ़ी संभावनाएं हैं। लेकिन जिस तरह से अभी पुरुषोत्तम ने कह रहा था कि अगर कोई बाहर का डायरेक्टर आएगा उनको समझने में काफ़ी समय लगेगा, लेकिन अगर यहाँ के डायरेक्टर रहेंगे तो इसी मिट्टी में पले बढ़े हैं, उन्हें उतना दिक्कत नहीं होगा। और मैंने भी अभी तक काफ़ी डायरेक्टर्स को अटेंड कर चुका है, बाहर के डायरेक्टर भी, और पुरुषोत्तम के साथ भी मैंने काम किया है, काम कर ही रहे हैं और करेंगे भी। तो पुरुषोत्तम का जो थॉट है, जैसे कि बाहर वाले डायरेक्टर अगर आते हैं तो गांव के कुछ कैरेक्टर को अगर सिनेमा में एक्ट कराया जाता है तो वो कितना समझ पाते हैं गाँव के लोगों को, सबसे पहले तो ये मैटर करता है। जब हम लोग बांधा खेत का शूटिंग कर रहे थे, पुरुषोत्तम ने कहा कि दादा तो भर ट्रेंड एक्टर आहिस, बाकी मन तो गांव कर में नहीं कर। हमने कैसन करवा, बहुत एकदम तनिशन तो दिक्कत वाला काम है, एखन लॉकडाउन भी है, बहुत दिक्कत है दादा, नहीं करवा ले भाई, हमार अपन आदमी है क्या, मतलब अपने लोगों के साथ काम करने में अगर अननोन आर्टिस्ट भी रहेंगे। पुरुषोत्तम ने जब हम शूट करने के लिए जाते हैं, उन्हें रिहर्सल करवाते थे, सिंपल सी बात है, कभी वो कोई तामझाम में नहीं गया, सिंपल सा एक ट्रैक सूट पहन लेता था, हवाई चप्पल पहन लेता था, पहले उन्हें पटाने का कोशिश करता था उन्हें एहसास ही नहीं होने देता था कि हम आपके साथ कुछ करने वाले हैं। तब जब शूट लगने लगता था, कभी कोई आर्टिस्ट अगर मिस्टेक भी करते थे तो बोलता था एना तनिशन ईसन कर देते नहीं तो बहुत बेस्ट रहता, कलाकार भी हंसते हुए काम कर लेते थे। और आपको बांधा के अपने कभी ऐसा नहीं लगेगा, मुझे छोड़ के जितने भी आर्टिस्ट है बांधा खेत में, कभी ना ही कैमरा देखे हुए हैं, ना ही थिएटर किए हुए थे, लेकिन उन सारे लोगों का एक्टिंग अगर आप देखेंगे ना तो लगेगा कि वाह क्या कमाल का काम किए हैं। केवल डायरेक्टर ही नहीं, वहां के लोग और जो सिनेमा से जुड़े हुए लोग हैं
उन्हें इन चीजों को समझने की जरूरत है। आर्टिस्ट तो नए होते हैं बट डायरेक्टर बहुत बढ़िया, ये हम कॉमन देख सकते हैं निरंजन के फिल्मों में भी। ऐसे लगता है कि जो अभिनेता है वो बिल्कुल गांव समाज के लोग हैं, कोई ट्रेंड या पेशेवर नहीं है, लेकिन जब उनका अभिनय आप देखेंगे जो नैसर्गिकता या ओरिजिनलिटी दिखती है वो बहुत प्रभावित करती है। हम कुछ सवाल ऑडियंस की तरफ से लेंगे, समय हमारा कम है। बता दूं मेरे भी दो एक्टर्स यहाँ पे हैं, एक सुमित्रा टप्पू मेरे मौसी है वहाँ पे, और मेरा भाई है अशोक भगत, दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है जी। बहुत स्वागत है आप सबका भी आपका, और हाँ चूँकि बहुत सारे सवाल हैं और डिस्कशन काफ़ी लंबा चला जाएगा, इसके बाद अगला सत्र है, हम दो सवाल ले सकेंगे, ज़्यादा नहीं ले पाएंगे, हम कार्यक्रम के बाद डिस्कशन कर सकते हैं, काफ़ी सवाल सबके सामने हैं, बस दो सवाल आप ले जी बताएं। यहाँ पे मौजूद सभी को जोहार। सर सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग भाग्यशाली हैं, झारखंड भाग्यशाली है दो चीजों को लेकर, पहला आदिवासी और दूसरा प्रकृति। खनिज संपदा हम बाद में लेते हैं, जैसा कि अभी सर ने बताया कि अवतार 2 आने वाली है, इसमें भी आदिवासी के ही बारे में बताया गया है, कहीं ना तो कहीं वो सभी खनिज संपदा को बचा के रखते हैं और सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट में वो काम करते हैं। अभी जैसे हाल फिलहाल में मूवी आई हुई थी कंतारा, वहां पे आदिवासी कल्चर को बखूबी दिखाया गया। हमारे झारखंड में ये हम सभी को पता है कि बहुत सारे एक्ट, बहुत सारे कानून इम्पोजेज है, CNT एक्ट हो गया, SPT हो गया या फिर पैसा एक्ट हो गया, क्यों नहीं उस चीजों को पॉजिटिव वे में दिखाया जाए फिल्मों में, ये पहला सवाल। दूसरा ये कि हम पर्यटन के क्षेत्र में इतना पीछे क्यों है। अगर हम आदिवासी कल्चर के बारे में बात करते हैं तो सिर्फ कला और संस्कृति नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, वो क्यों नहीं कंतारा जैसे ही हम झारखंड को बेहतर दिखा सकते हैं, पर्यटन के क्षेत्र में दिखा सकते हैं। थैंक यू जी। बिल्कुल हम सब दिखा सकते हैं। कंतारा देख करके, जब मैंने कंतारा देखी थी फिल्म, तो मैंने महादेव टुप्पो जी हमारे साहित्यकार हैं उनको फोन किया था कि आपको ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। मुझे सबसे ज्यादा इम्प्रेस किया था उस फिल्म में, मतलब जो इम्प्रेस नहीं, उसने हिट किया था एक चीज, कि फिल्म की शुरुआत में आप देखोगे कि वो गांव का जो देवता है वो किस तरीके से वो बोलता है, बोल करके वो बताता है कि अगर यहाँ पर आप लोगों को, गांव को वालों को वैल्यू नहीं करोगे, यहाँ के लोगों को, यहाँ के कल्चर, यहाँ के लोगों को वैल्यू नहीं करोगे तो इसकी डेथ हो जाएगी, ऐसा कहने वाले कहना। ये इस तरीके के इंसिडेंट्स जो हैं, आप क्या बोले, ये मान्यताएं, ये सब काफ़ी रूटेड हैं। वो चीज़ देख करके हम लोगों ने बात किया था कि इस तरीके का हमने भी सुना है, मतलब जो सुनी हुई बातें या ये सब भी तो कहानियों में आती हैं ना, सिनेमा में आती हैं, जो कि आम तौर पर, तो इस तरीके की फिल्में ज़रूर बन सकती हैं। लेकिन हम लोग सब मेनली कहाँ पर अटक रहे हैं वो ये है कि हम असल में हम
उधर उस कोने में एक मैम जी। सबसे मुझे ऐसा लगा कि चिन्वा अचबे ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि अब समय आ गया है कि जो प्रॉस्परो है वो सारे सुनेंगे और जो कैलिबन है उनके हाथ में जो है माइक्रोफोन रहेगा। और तबान लोलियोंग जो सुदान के बहुत वरिष्ठ कवि हैं, उनको मैंने एक बार साउथ अफ्रीका में सुना था जब वो कहे थे मंच से कि आज जो है मैं कैलिबान बोल रहा हूँ और यहाँ पे पूरे जो जितने लोग बैठे हुए हैं सारे प्रॉस्परो जो हैं वो सुन रहे हैं। मेरा जो आज पुरुषोत्तम जी से सवाल है कि मैंने आपका ये जो मूवी है दहलीज वो मैंने देखा, उसमें एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये इंटेलेक्चुअली कंट्राइव नहीं है, जो आपका लिव्ड एक्सपीरियंस है, यस, जो आपका लिव्ड एक्सपीरियंस है उसको आपने जो है दिखाया। मेरा ये सवाल है कि इसमें जो सौतेली माँ है, जो स्टेप मदर, उसका जो स्टीरियोटाइप है उसको आपने चैलेंज किया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये हाउ कम यू थॉट अबाउट इट, दैट इज़ वन। एंड द सेकेंड थिंग इज़ व्हाट आई वांटेड टू आस्क इज़ अबाउट दिस मेंटल हेल्थ इश्यूज़ दैट यू हैव रेज्ड इन द फिल्म एंड द सोसाइटल रिएक्शंस विच आर स्टीरियोटिपिक, ये दोनों को आपने जो दिखाया ये आपने कैसे किया, दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू आस्क, थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहूँगा कि उस फिल्म की स्टेप मदर जो है उसके लिए ताली बजाए शीतल छाया किसपोटा, यहाँ पे प्रस्तुत है शीतल, प्लीज स्टैंड। उन्होंने ही इस कैरेक्टर को निभाया है। तो बेसिकली जब मैं कहानियाँ लिख रहा था इसको या फिर जब मैं डिज़ाइन कर रहा था तो मेरा ये मानना था कि मैं अपनी कहानियों में मैं कैसे एक डाइवर्सिटी ला सकूँ। एक कहानी का एक स्टेज होता है, जब हम कोई भी स्क्रिप्ट लिखते हैं तो उसके कुछ स्टेजेस होते हैं, कुछ एक्ट्स होते हैं। तो उनका जो कैरेक्टर जो था वो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग था क्योंकि पूरी फिल्म में जो लीड प्रोटैगनिस्ट है वो उसको चुड़ैल चुड़ैल बोल रही हैं और वो हाफ ऑफ द टाइम, मतलब मुझे लगता है इंटरवल तक वो आती नहीं है, इंटरवल से पहले तक ही पूरी कहानी सिर्फ एक चुड़ैल के बेसिस पे चल रही है, बस एक चुड़ैल है। तो उसके बिहाइंड द साइकोलॉजी के लिए मेरे लिए बहुत बड़ा एक चैलेंजेस था कि मैं उसको कैसे रिप्रेजेंट करूं, क्योंकि आम तौर पे जब हम एक माँ को देखते हैं या फिर एक स्टेप मदर को देखते हैं तो फिर इंडियन सिनेमा में जैसे बताया गया है कि हमेशा सौतेली माँ एक क्रूर होती हैं या फिर उनको लगता है कि वो सिर्फ अपनी बेटी को प्यार करेंगे, दूसरी की बेटियों को प्यार नहीं करेंगे या तो फिर किसी और को वो हीन भावना से देखते हैं। तो चूँकि ये जो कहानी है मुझे ऐसा लगता है कि हमारे इधर के सोसाइटियों में मैंने वैसे कभी देखा नहीं है कि वो किसी और से डिस्क्रिमिनेट करती हैं। सेम चीज़ जब मैं बांधाखेत की तरफ मैं थोड़ा सा मोड़ना चाहूँगा कि जब लीड प्रोटैगनिस्ट हैं वो जब साहूकार के पास वो जा के बोलता है कि मेरे पास पैसा नहीं है और मुझे खेत दे दो, वो डिक्लाइन कर देता है। दूसरी बार वो फिर जाता है उसके पास और तब वो जाता है, वो कुसुम लेकर के जाता है, आप लोग जानते हैं कुसुम एक फल आता है। इवेंचुअली ही इज़ गोइंग टू एंटागनिस्ट और दूसरे प्रवृत्ति के लोग रहते तो वो मतलब गुस्से से जाता, लेकिन उसने उसके बच्चों के लिए कुसुम ले दिया है कि कुसुम जो लाइन दही हो छवा बन के दे देवे। उसको कोई चीज़ की उम्मीद नहीं है कि ये मेरे लिए मैं उसको नहीं दूंगा क्योंकि वो मेरा खेत रखा हुआ ही, उसने मेरा जमीन हड़पा हुआ। उसने ये देखा कि मेरे पास जो चीज़ है, मेरे पास जो नेचर है, उसने जो लाह लंघाया हुआ था और जो नेचर ने उसको जो कुसुम दिया तो उसने बोला कि वो बच्चे जो नहीं खाते उनको ये मैं लेके देता हूँ। तो सेम चीज़ जब मैं जो स्टेप मदर की जब मैं कैरेक्टराइजेशन कर रहा था तो मैं ये सोच रहा था कि एक ऐसी माँ हो जो कि इक्वली ट्रीट करती हो अपनी बच्ची से, वो अपनी बेटी से भी कहीं ज़्यादा उससे प्यार करती हो। इसीलिए तो शायद उसने उसके लिए वो अपने देखा होगा सिलट में वो छिलका रोटी, जब उसके पापा उस बच्ची को मारता है तब उसकी मम्मी उसके लिए छिलका रोटी बनाते हैं क्योंकि बच्चों को छिलका रोटी बहुत पसंद आता है। तो मैं उस तरीके से मैं सोच रहा था कि मैं कैसे दिखा सकूं। सॉरी मुझे रोकना पड़ रहा है, समय ख़त्म हो गया है। तो चाहे हम लोगों ने देखा कि एक सिनेमा का अलग ग्रामर बनाने की कोशिश है, एक अलग भाषा में, अलग एस्थेटिक्स के साथ, एक अलग फिलॉसफी के साथ,
एक बहुत बड़ी बात है। और ये युवा फिल्म मेकर्स हैं, अभिनेता हैं, थिएटर आर्टिस्ट हैं, ये हम सब के लिए उम्मीद की बात है कि एक नई पीढ़ी है जो नए तरीके से चीज़ों को देख रही है, एक नया प्रतिरोध और नया एस्थेटिक्स रच रही है सिनेमा के ज़रिए। बहुत शुक्रिया आप सबका, आप सब ने भागीदारी की। माफ़ करेंगे हम सवाल नहीं ले पा रहे हैं, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस सत्र के लिए, ज़ोरदार तालियां हो जाए सर के लिए वंस अगेन। जिन्होंने सवाल नहीं पूछा, जो नहीं पूछ पाए, आप बाहर जाकर बाद में इनसे पूछ सकते हैं। बट फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं अगले सत्र के लिए। अगले सत्र का नाम है कुलभूषण का नाम दर्ज कीजिए। एंड फॉर दैट आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन स्टेज अलका सरावगी इन कॉन्वर्जेशन विथ यतीश कुमार।